हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली मार्केट अपडेट में दोस्तों, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। उसके पहले दोस्तों, हम ओवरऑल मार्केट का अवलोकन करेंगे कि आज दोस्तों 30 दिसंबर 2020 को मार्केट ने ओवरऑल क्या दिशा दिखाई है दोस्तों। तो निफ्टी 50 जो बेंचमार्क इंडेक्स है, एक मार्जिनल बढ़ोतरी के साथ 0.35% ऊपर क्लोज हुआ ग्रीन में, और इसके जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें 34 स्टॉक्स जो थे वो ग्रीन में क्लोज हुए, जबकि 16 स्टॉक्स ऐसे थे जो रेड में क्लोज हुए। निफ्टी जूनियर में देखें दोस्तों, तो इसमें भी करीब करीब वैसा ही परफॉर्मेंस रहा, और ये इंडेक्स 0.41% की बढ़ोतरी से ग्रीन में क्लोज हुआ। 27 स्टॉक्स ग्रीन में, 23 स्टॉक्स रेड में। मिड कैप इंडेक्स में भी दोस्तों एक मार्जिनल इंक्रीज देखा गया, और ये इंडेक्स 0.28% से ग्रीन में क्लोज हुआ। यहाँ पर 22 स्टॉक्स ग्रीन में, 28 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स में देखें तो मोर लेस सिमिलर परफॉर्मेंस है, 0.34% से बुलिश रहा, और एडवांसेस जो थे 25 स्टॉक्स ग्रीन में, 24 स्टॉक्स रेड में, और एक स्टॉक ऐसा था स्मॉल कैप इंडेक्स में जो दोस्तों फ्लैट क्लोज हुआ, अनऑल्टर्ड रहा। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, बैंकिंग स्पेस में देखें, तो ये इंडेक्स फ्लैट क्लोज हुआ और सिर्फ 0.06% की गिरावट दर्ज की गई, जो निग्लिजिबल है। अब इसके 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो स्टॉक के, उसमें 2 ग्रीन में क्लोज हुए और 10 स्टॉक रेड में क्लोज हुए। तो चलिए दोस्तों, प्राइस चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस से जानने की कोशिश करते हैं कहां पर है सपोर्ट और कहां पर है रेजिस्टेंस। दिमाग में यह भी याद रखना है दोस्तों कि जब कल मार्केट खुलेगा तो ऑप्शन चेन के वीकली कॉन्ट्रैक्ट एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का दिन होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं अब निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को स्पॉट मार्केट में, और आज निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई 13,981.95 पर दोस्तों। और सबसे सिग्निफिकेंट बात जो इसमें ऑब्जर्व करने वाली है कि आज की कैंडल एक गैप अप ओपनिंग होती है, और उसके बाद दोस्तों एक क्लियर कट एग्जॉशन अपसाइड मोमेंटम का नजर आता है, और ये कैंडल के फॉर्मेशन से भी विदित हो रहा है, क्योंकि कैंडल जो है आज नियरली एक हैंगिंग मैन जैसा फॉर्मेशन निफ्टी में करती हुई नजर आ रही है। लार्ज लोअर शैडो और स्मॉल अपर बॉडी दे इंडिकेट करती है कि एक एग्जॉशन का साइन है। कल भी दोस्तों जब एनालिसिस की गई थी, तो हमने 14,000 से 14,100 के बैंड को एक सप्लाई बैंड के रूप में देखा था। उसका कारण क्या है दोस्तों, इस प्रायर इंपल्सिव वेव का जब एक्सपेंशन हम चेक करते हैं फिबोनाची टूल से, तो 127.2% करीब 14,100 पे आता है, और नेक्स्ट लेवल 14,300 का है 161.8%। मींस निफ्टी का पोटेंशियल तो है 14,300-350 तक जाने का, लेकिन फिलहाल ये एग्जॉशन है। प्राइस एक ओवर एक्सटेंडेड टेरिटरी में है, और हम देख सकते हैं ईएमए 21 यहां पर है। तो हम फिलहाल दोस्तों कल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, क्योंकि कल ऑप्शन चेन की एक्सपायरी का दिन भी है। तो हम 14,100 को एक रेजिस्टेंस के रूप में देख रहे हैं, जबकि सपोर्ट के रूप में देखिए दोस्तों, जो कल हमने चर्चा की थी वहां से व्यू पॉइंट चेंज नहीं हुआ है। 13,749 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पहले रिजेक्शन था, और यहां पर एक गैप के कारण विंडो का फॉर्मेशन हुआ है जो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन इस इंपल्सिव वेव को अगर ये माने कि आज का ये एग्जॉशन कैंडल करेक्शन की शुरुआत है, तो इस इंपल्सिव वेव के आधार पर अगर हम वेव की एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो आप देखिए, ये मैंने एक फिबोनाची टूल से खींचा, तो 38.8% जो आता है वो आता है करीब 13,680 पर। तो ये दोस्तों आप कह सकते हैं कि करेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जो होंगे वो शैलो ही करेक्शन होने की संभावना है, और 61.8% हेल्दी करेक्शन हुआ
तो निफ्टी दोस्तों 13,500 तक भी करेक्ट हो सकता है और ईएमए 21 को भी टेस्ट करेगा और 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल है, गोल्डन रेशियो है, उसे टेस्ट करेगा। तो फिलहाल दोस्तों कल के लिए हम 13,750 को एक सपोर्ट देख रहे हैं, जबकि 14,100 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में हम देख रहे हैं। आज निफ्टी ने जो हाई बनाया वो 14,000 से 3 पॉइंट केवल नीचे था दोस्तों, तो शुरुआत कल करेक्शन की होनी चाहिए मार्केट के क्लोजिंग होते होते दोस्तों। तो अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट पर और वहां पर देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में स्पॉट मार्केट में, एंड 31,303.05 आज की क्लोजिंग है दोस्तों। अब यहां पर भी फॉर्मेशन देखें तो आज गैप अप ओपनिंग हुई और क्लियर कट एग्जॉशन नजर आया, सेलिंग प्रेशर हमने देखा और यहां पर हम देख सकते हैं एक बैरिश कैंडल बनी है। ऑफ कोर्स कोई पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वीकनेस अपसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट क्लियरली हम फील कर सकते हैं। कल दोस्तों आपको याद होगा जब एनालिसिस की गई थी तो 31,500 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा की गई थी और ये लेवल 127.5% है प्रायर इंपल्सिव वेव का एक्सपेंशन लेवल और नेक्स्ट लेवल है 32,000 जहां तक इसकी क्षमता आ जाने की फिलहाल दोस्तों। लेकिन क्या एक सिंगल मूव में ये ऊपर जाएगा? नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है। आप देखिए ईएमए 21 यहां पर है, तो दोस्तों अगर ये इंपल्सिव वेव को देखें जो न्यू इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन है और यहां पर करेक्शन की अगर शुरुआत होने का इंडिकेशन आज हमें मिला है तो इसे फिबोनाची से हम चेक करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों जो ये बहुत सिग्निफिकेंट लेवल आ रहा है, यहाँ पर 30,500 पर एक 590 टू बी वेरी प्रिसाइज इस लेवल तक करेक्शन होने की संभावना नजर आती है दोस्तों, जो अभी हमने इस लेवल को खींचा। इसे मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं सारे रिट्रेसमेंट लेवल, तो एक बार चेक करते हैं कि क्या लेवल आ रहा है, क्योंकि 30,500 की चर्चा तो हमने कल भी की थी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ये देखिए मैंने इसे ड्रॉ किया, तो दोस्तों ये रिट्रेसमेंट जो आ रहा है यहां पर आप देखिए तो ये आ रहा है 38.2% का लेवल जो 30,540 पर है। इसका मतलब दोस्तों कि अगर शैलो करेक्शन भी हुआ तो निफ्टी 30,500 के आसपास में टेस्ट कर सकता है जो एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है। लेकिन कल के बारे में बात करें दोस्तों तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहां पर एक गैप भी है, तो 30,900 एक इमीडिएट टर्म्स में कल के लिए हम सपोर्ट मान रहे हैं और अपर साइड में देखिए 31,500 एक रेजिस्टेंस है और नेक्स्ट दोस्तों 32,000 का लेवल है, तो 31,500 से 32,000 का जो बैंड है वो एक सप्लाई बैंड के रूप में हम देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोस्तों, और समझने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में दोस्तों हम 31 दिसंबर 2020 को जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट एंड इट हैपेंस टू बी द मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी एज वेल, कल जब मार्केट खुलेगा तो उस ऑप्शन चेन को हम देख रहे हैं जो कल एक्सपायर होने वाला है। तो पुट साइड में देखते हैं दोस्तों कि क्या सिचुएशन इमर्ज हो रही है। तो यहाँ पर एक साइजेबल बिल्टअप नजर आ रहा है जिसमें काफी एडिशन भी हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, और ये है स्ट्राइक प्राइस 13,900 का। यहाँ पर भी साइजेबल बिल्टअप है जो स्ट्राइक प्राइस है 13,800 का, लेकिन इसमें एडिशन ज्यादा नहीं हुआ है दोस्तों। और इसके बाद इस जगह पे भी एक इम्पॉर्टेंट बिल्टअप है जो 13,400 पर है। तो दोस्तों इमीडिएटली हम मानते हैं कि कल की क्लोजिंग ऐसी संभावना है कि 13,800 से 13,900 के विद इन होने की संभावना है। इसका मतलब ये जो डिमांड जोन है ये डिफेंड होता हुआ नजर आएगा। अगर हम कॉल साइड में देखें तो एक डिसाइसिवली यहाँ पे बिल्टअप नजर आ रहा है जो 14,100 के स्ट्राइक प्राइस पर है। प्राइस एक्शन एनालिसिस में भी इस लेवल की चर्चा हमने की। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में पुट साइड में एक साइजेबल बिल्टअप यहां नजर आ रहा है दोस्तों, इसमें अच्छा खासा एडिशन भी हुआ है
और ये है स्ट्राइक प्राइस 31,000 दोस्तों, और 31,000 30,900 को एक अच्छा सपोर्ट प्राइस एक्शन में एनालिसिस में देखा हमने। तो दोस्तों 31,000 का लेवल कल शायद डिफेंड होता हुआ हमें नजर आए। अब हम कॉल साइड में देखते हैं तो एक डिसाइसिव बिल्टअप यहां नजर आ रहा है जो 31,500 के स्ट्राइक प्राइस पर है, और इसका तात्पर्य है कि आज का जो रिजेक्शन हुआ है प्राइस आज के हाई के ऊपर जाने की संभावना कम नजर आ रही है। अगर जाएगी भी दोस्तों तो क्लोजिंग 31,500 के नीचे होने की कल संभावना हम सोच सकते हैं उस दिशा में। तो दोस्तों अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई है तो इसे ढेर सारे लाइक दीजिएगा, आपके लाइक करने से हमें मिलता है मोटिवेशन, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के इंतजार होगा। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, फिर मिलेंगे अतिशीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।